ANM स्कूल बीरपुर के सामने कचरा बना छात्रा व लोगों के लिए जान का जंजाल। आपको बता दें, आज जहां पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता के प्रति देश के प्रधानमंत्री से लेकर समाज सेवी और अधिकारी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए सड़क पर हाथों में झाड़ू लेकर स्वच्छता अभियान चलाते हैं, लेकिन ठीक इसके विपरीत सुपौल जिले के नगर पंचायत बीरपुर स्थित अनुमंडलीय अस्पताल एवं ANM ट्रेनिंग स्कूल एंड छात्रावास के सामने मेडिकल वेस्ट कचरों का अंबार लगा हुआ है। इतना ही नहीं, इस कचरे से निकलने वाले प्रदूषित हवाओं से छात्रावास में रहने वाले कुल 92 छात्रा को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और तो और, जब आम लोग इस अस्पताल के सामने से गुजरते हैं तो मजबूरन उन्हें नाक पर कपड़ा डालकर गुजरना पड़ता है। परेशानी तो तब होती है जब कचरे के बीच दर्जनों की संख्या में सुअर कचरे को खदेड़ते हैं और खाते हैं, तभी मानो साक्षात नर्क के दर्शन होते हैं। जबकि प्रत्येक दिन अनुमंडलीय अस्पताल में ANM की छात्रा ट्रेनिंग के लिए इसी रास्ते होकर आना जाना रहता है। उसी ANM ट्रेनिंग स्कूल की विभिन्न छात्राओं ने बताया कि स्वच्छता अभियान का कोई सार्थक पहल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। जब हम लोग इस होकर अस्पताल जाते हैं तो मानिए ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग सीधा नर्क के रास्ते गुजरते हैं। हम लोग दूसरों का इलाज करने जाते हैं लेकिन खुद बीमार की कगार पर है, और अगर जल्द ही कचरा साफ नहीं किया जाता है तो हम सभी छात्रा इसी अस्पताल के बेड पर नजर आएंगे। वही संबंध में फोन से ANM ट्रेनिंग स्कूल एंड छात्रावास के प्रिंसिपल राहुल रंजन से 2 बार संपर्क साधा गया तो उन्होंने 1 बार भी फोन उठाना जरूरी नहीं समझा। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ANM स्कूल की छात्राओं की जिम्मेदारी कितने उनके ऊपर रहती होगी। वही संबंध में पूछे जाने पर नगर पंचायत बीरपुर के प्रभारी EO कुमार मनीष भारद्वाज ने बताया कि अगर अस्पताल परिसर में मेडिकल वेस्ट कचरा है तो इसकी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की होती है कि इसकी खपत कैसे करे। हालांकि हम खुद स्थल का निरीक्षण कर समाधान करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना सारा कचरा है, इसकी वजह से हम लोगों को काफी परेशानी होती है। हमारे साथ साथ जितने भी पेशेंट आते हैं उन सबको भी परेशानी होती है। ये सब एक कहने का होता है कि स्वच्छता, लेकिन यहाँ पे कोई स्वच्छता का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी मानक उपाय नहीं किया जाता। इसका सारा जो जलाया जाता है सारा धुआं हमारे हॉस्टल में जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को काफी परेशानी होती है। रोज हम लोग ट्रेनिंग में आते हैं और हमें इतनी परेशानी होती है, हम लोग बार बार वॉमिटिंग करते हैं और हमें अजीब लगता है यहाँ आने जाने में, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, और जिसके वजह से हम लोग काफी बीमार होते हैं। हम लोग लोगों की क्या सेवा करेंगे, हम लोग तो खुद बीमार पड़ जाएंगे इस कचरे की वजह से। ये हमारे ANM स्कूल ट्रेनिंग स्कूल जिसके सामने में ही फेंका हुआ, यहाँ पे एब्डोमिनल वेस्ट, यहाँ पे सारा वेस्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं कि डॉगी, जैसे कि आप अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा सुअर है जो पूरा चारों तरफ से फैलाया हुआ है कचरा को, और इसका इतना गंदा है कि अभी मैं आपसे बात नहीं कर पा रही सही से, इतना गंदा। हम लोग यहाँ टोटल 92 है। मेरा सानू कुमारी। सर, हम लोग ANM स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर में 47 स्टूडेंट है और फर्स्ट ईयर में 45 स्टूडेंट है। कुल मिला के हम लोग 92 स्टूडेंट है और हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, और हम लोग को यहाँ पे जो है इसका हॉस्पिटल का कचरा फेंका हुआ है, जिससे हम लोग को आने जाने में परेशानी होती है। मतलब काफी मतलब यहाँ का बदबूदार होता है, यहाँ से गुजरने में बहुत हम लोग को परेशानी होती है, और उसके बाद जलाया भी जाता है तो इसका पोल्यूशन से बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है। हम लोग यहाँ पे ही रहते हैं और जैसे है कि हॉस्पिटल में जाएगा तो कितना बीमार भी हम लोग पड़ सकते हैं। और मेरा नाम सोनी कुमारी है।